आज से ठीक 10 महीने पहले वर्ल्ड कप के मैच के अंदर भारत पाकिस्तान से हार गया था। तब पाकिस्तान के लोगों ने खुशियां मनाई थी। उन्हीं पाकिस्तान के एक मंत्री ने इसको इस्लाम की जीत घोषित कर दिया था। हमारा फाइनल आज ही था और दुनिया के मुसलमान समेत हिंदुस्तान के मुसलमानों के उनके जज्बात पाकिस्तानी टीम के साथ थे। सारी आलम इस्लाम को फतेह मुबारक हो। रुक तेरे को बता दे। इंडिया ने एक छक्का लगाया और इंडिया ने ये मैच जीत लिया है। भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी है। शेख चिल्ली रशीद जी, अगर आपके अनुसार अगर एक मैच जीतने से इस्लाम की जीत होती है तो कल आपका इस्लाम हार गया, टाइम फुस हो गया, तो आपका इस्लाम गया बारा के भाव। लेकिन अब ये नहीं बोलेंगे इस्लाम की हार है, क्योंकि ये दोगलापन पाकिस्तानियों के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। सही बात है। और पाकिस्तान की आवाम का तो ये हाल है कि भारत की हार उनको बर्दाश्त ही नहीं हो रही है और उन्होंने टीवी फोड़ दी है, क्योंकि ये पाकिस्तान की रिवायत है, जब भी वो मैच हारते हैं टीवी जरूर तोड़ते हैं, क्योंकि ये इस्लाम की हार है। उन जी बड़ा दुख पहुंचा कि इंडिया को हार गया एशिया कप के हारन की शिकस्त के मैं टीवी यार मुझे ले जाते दुबई, मुझे खिला देते क्रिकेट मैच, स्कोर तो मैंने भी बाबर आजम जितना ही करना था भाई। ऐसे ही खड़े रहता तो गलती से 10 रन बन जाते, कुछ यहाँ से निकल जाती कुछ वहाँ से निकल जाती। यार वैसे जो है ना, पहले कम से कम ये है कि पाकिस्तानी कौम में शर्म होती थी। मेरी कौम में शर्म थी, हया थी, अब वो भी मुझे आहिस्ता आहिस्ता लग रहा है कि बेस होती जा रही है कौम मेरी। यार एक गेम हम खेलते हैं क्रिकेट, एक गेम, सिर्फ एक गेम क्रिकेट खेलते हैं। मुश्किल से इंडिया के साथ खेलने का एक दफा साल में या दो दफा मौका मिलता है परफॉर्मेंस दिखाने का। यकीन करो पाकिस्तान को कोई परवाह नहीं है कि आप नीदरलैंड से जीत के आए हो या आप जिम्बाब्वे से जीत के आए हो या नहीं जीत के आए हो। ये जो खिलाड़ी होते हैं इनसे एक्सपेक्टेशन ये होती है कि ये साल में या दो साल में एक दफा जो तुम्हें मौका मिला इंडिया से खेलने का, अपना भरपूर खेल पेश करो। कल मैं देख रहा था मीडिया पर भी रिपोर्टें आ रही थी, अवाम मुतमईन है, पाकिस्तान हार गया अवाम मुतमईन। कुछ शर्म कर लो यार, एक गेम आप खेलते हो यार, अब तो अवाम की खिंचाई बनती है यार। यानी 25 करोड़ में से आप लोगों को यार 11 खिलाड़ी ठीक नहीं मिलते। ए, बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। ये क्या गेम पेश करके आए हो यार, क्या तुम लोग कर रहे हो यार ड्रामे। तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, बस फिर हारो। मैं देखो इंडिया वालों की इतना रगड़ा लगाता हूँ ना, इंडिया वालों का सबसे ज्यादा मैं वहां पर मशहूर हूँ, एक मैं और एक वो फिजा। कि साहब जी गलती हो गई, माफ कर दें, मैं मस्कीन औरत। और कोई इंडिया का रगड़ा नहीं लगाता, हर आदमी घबराता है उनका रगड़ा लगाते। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। वो क्रिकेट के अंदर यार आप बोलो शाहीन शाह, यार शाहीन शाह अफरीदी होता तो तुम कौन सा जीत जाते। मैं स्टैंप पेपर पे साइन करके देता हूँ फिर भी हार गया। सिलेक्शन नहीं है, कोई कैलिबर नहीं है, कोई बात करने का अंदाज नहीं है। इमरान खान कम से कम कैप्टन होता था यार, टीम का इंग्लिश बोलता था, बंदा कहता था यार क्या बात, बंदा शक्ल देखकर कहता यार चलो हार भी गया कोई बात नहीं। अपने क्रिकेट टीम वालों को देखो यार, ऐसे लगता है यार वो सुबह नाश्ते पर जो होटल आके होटल में लड़का पूछता है ना, फ्राई अंडा ऑमलेट टोस्ट, ये वो वाले लड़के भेज दिए। कोई ट्रेनिंग नहीं की हुई, कोई ग्रूमिंग नहीं की हुई, कोई इंग्लिश नहीं आती, कोई बात करने का तरीका नहीं आता। और एनालिस्ट देखो, वाह एनालिस्ट मुलायजा फरमाए, इंजमाम भाई बता रहे हैं कि रनिंग ठीक करनी है, शोएब अख्तर बता रहे हैं मैच्योरिटी और डिसिप्लिन क्या होता है, रमीज राजा भाई बता रहे हैं कि एग्रेसिव गेम क्या होती है, मारो मुझे मारो कोई मुझे मारो। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, शर्म है यार, शर्म आनी चाहिए यार। नहीं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। इंडिया पाकिस्तान मैच में जहाँ गम चल रहा है वहाँ खुशी चल रही है, वहीं अफगानिस्तान अलग ही मजे ले रहा है। अफगानिस्तान के लोगों की पाकिस्तान के साथ में कट्टर दुश्मनी है, वो पाकिस्तानी को बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि पाकिस्तानी दोगले किस्म के दगाबाज इंसान है। हम गधे
भले ही पाकिस्तानी कितने मीठे बनने की कोशिश करे, लेकिन ये कभी भी आपके सगे नहीं हो सकते, क्योंकि इंडिया की पीठ में 1947 से ये चुराई भोगता है। अफगानिस्तान का एक बंदा है जो कि पाकिस्तान के मैच हारने की खुशी में जाकर इंडिया के खिलाड़ी को बोसा देता वीडियो के अंदर, वो टीवी के अंदर कहता कि बहुत अच्छा किया आपने पाकिस्तान को हरा दिया। तो इस बारे में छोटी सी मैं आपको क्लिप है, वो वीडियो देखें, आप देखने के बाद अपनी राय का इजहार करें कि आप क्या समझते हैं। जहर है कि प्यार है तेरा चुम्मा, ऐसा क्यों कर रहे हैं अफगानिस्तानी? तो चलिए आनंद लेते हैं। हमारा क्या कहते हैं, अफगानिस्तान भाई है, ये अफगानिस्तानी है ये तो। और ये देखो हमारा मुसलमान होके ये क्या कर रहा है, हालांकि ये इसको सोचना चाहिए कि हमारे मुल्क से इसको क्या कुछ मिलता है, और वो मुसलमान भाई है और इंडिया के में जाके उसको पपी या जो कर रहा है, तो कितना गलत काम कर रहा है। जली 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 चाचा की जली, चाचा की जली, जली ना चाचा आपकी जली ना। बेस्ती करो पाकिस्तान की टीम की अगला मैच दे। पिछले दिनों इन्होंने जितना इनका नुकसान हुआ, पाकिस्तान ने कितना साथ दिया, हमारे जो जनरल उन्होंने कितना किया, तो क्या कुछ किया, लेकिन इनको चाहिए था कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए था, फिर ये मुसलमान होके काफरों के साथ इस तरह करे तो ये। तो इन चाचा को लग गई तगड़ी वाली मिर्ची, और ये मिर्ची देखने गए तो आनंद मिलता हमको, और क्या चाहिए। एक तो मोहब्बत होती है ना कि किसी भी, देखे ना मोहब्बत यहाँ पे तो नहीं ना जितना ले जाती, मुसलमान भाई हो गए तो मोहब्बत इस तरह जितना लाती है, इस तरह तो नहीं ना मोहब्बत जितलाई जाती है। वैसे देखा जाए तो हमारे किताब में भी नहीं लिखा हुआ, हमारे मजहब में भी ये चीज नहीं लिखी हुई कि हिंदू है तो उससे नफरत करो, ये भी तो नहीं ना लिखा हुआ। हाँ वो तो ठीक है, हम नफरत वाली बात तो करते नहीं है, लेकिन ये है ना कि उसको ये ख्याल करना चाहिए पाकिस्तान इतना साथ देता, उसका तो आज तक आपने चुम्मी या कोई ऐसी बात नहीं की कि पाकिस्तान ने इतना साथ दिया, आपने ये इंडिया ने जरा सा काम किया, क्या हम फाइट पूरी नहीं की है मैच में, क्या 2-3 रन से या क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, ये हमारी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो उसमें कोई ये तो नहीं ना कि हम पीछे रह गए क्या कहते। अगर आपकी तरह करेंगे ना, तुम जीते या हारो तो बेइज्जत होकर वापस आएंगे हार के। मतलब आप समझते हैं कि ये इसको कह रहे कि ये जो अफगानी ने ये काम किया बिल्कुल गलत किया। बिल्कुल ये गलत किया और ये नहीं होना चाहिए था, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। बिल्कुल सही किया और हम इसकी बहुत तारीफ करते हैं और हम इसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, तुम्हारी ऐसी की तैसी। अफगान इंडिया, अफगान भाई भाई, सही बात है यार। हम मेरे जैसे लोग रिकॉर्ड लगाएंगे ना, टाइट करेंगे इनको बंदे का पुत्र बना के। ये इज्जत से मानने वाले नहीं, जैसे इमरान खान चलाता था ठुड्डे मार मार के, ये उसी तरह चलते हैं। क्रिकेट टीम सियासत नहीं, तो ये ठीक चलते हैं, तो इज्जत से थोड़ी जीतेंगे, ये इज्जत से नहीं, इनकी बेइज्जती करो ये अगला मैच जीतेंगे, मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ। ये कोई पहला अफगानिस्तानी नहीं है जिसने भारत के प्रति अपना प्रेम जताया, ऐसे बहुत सारे अफगानिस्तानी लोग हैं, मोस्टली अफगानिस्तानी लोग हिंदुस्तान के फेवर में रहते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान ने जब भी ज़रूरत पड़ी है अफगानिस्तान की मदद की है, चाहे वहाँ पे अब भले तालिबान सरकार हो चाहे उससे पहले वाली सरकारें हो, भारत ने हमेशा अफगानी आवाम की हमेशा मदद की है। तो इंडिया की जीत की आपको एक बार फिर से बहुत 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 सारी बधाइयाँ, और पाकिस्तान को पहलते हुए आप भी 2-4 कमेंट कर ही दीजिए, ये आपका कर्तव्य है और आपका मूल अधिकार है, और अपने अधिकारों का पूरा इस्तेमाल कीजिए और 2-4 कमेंट अच्छे अच्छे चिपका दीजिए, पाकिस्तानी पढ़े तो उछल जाए, जैसे पॉपकॉर्न तवे पे गिरते उछलता है ना वैसे, ये भी उछल रहा है। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए 5 मिनट से रिलेटेड वीडियो लाता रहता। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।